अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। कुकिंग विद नरगिस में आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी मटर की सब्जी। और उसके लिए हमने क्या क्या लिया है वो हम बता रहे हैं आपको। ये हमने आधा किलो गोभी ली है और ये दो बड़े साइज के आलू लिए हैं। एक कटोरी मटर लिए है हमने, इसको बॉयल कर लिया हल्का सा। दो बड़े साइज के टमाटर लिए हैं, तीन प्याज ली हैं हमने, और ये दो चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। और बघार में हम डालने वाले हैं एक चम्मच जीरा है, एक चम्मच कलौंजी है और आधा चम्मच ये हींग है। हींग पेट के लिए बहुत अच्छी रहती है कि गोभी मटर दोनों से पेट में थोड़े गैस हो जाती है, कुछ लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है, तो ये हींग और अजवाइन से गैस नहीं होती। देखिए हमने इसमें एक कप तेल लिया है, तेल ही अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे जीरा, अजवाइन और हींग जो थी इसको डालेंगे। थोड़े आंच को तेज रखेंगे, हमारा जीरा भुन गया है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे, प्याज को थोड़े से गुलाबी होने तक इसको प्याज को। देखिए हमारी प्याज भी अब भुन गई है तो अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। गैस को थोड़ी सी तेज रखेंगे और हम टमाटर डालेंगे इसमें। टमाटरों में नमक डाल देंगे हम एक चम्मच, ताकि टमाटर नमक डालने से जल्दी से गल जाते हैं। एक चम्मच हम नमक डालेंगे टमाटरों में। इससे हमारे टमाटर जल्दी से गल जाए। और इसके साथ ही हमने इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे। खुद डाल के भूनेंगे थोड़ी देर के लिए। हमारे मसाले इस तरीके से हैं। ये हमने लिए एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच आधी चम्मच रेगुलर मिर्च, एक चम्मच धनिया है, एक चम्मच है कुटी हुई मिर्च, नमक हम उसमें डाल दिया है उसमें टमाटरों में, और ये आधा चम्मच है सॉल्ट का पाउडर, जिंजर पाउडर है ये, और ये एक चम्मच है ये चना मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिएगा, बिल्कुल आपको शादी वाली जो होती है ना आलू गोभी उसका टेस्ट आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। देखिए हमारे टमाटर गल गए हैं। अब इसमें हम अपने सारे मसाले डाले देते हैं। ये हमारे पास एक दो चम्मच है कसूरी मेथी, ये भी डाले दे रहे हैं हम इसमें।
इसको अच्छे से भूनते हैं मसाले को। मसाले को अच्छे से 2 मिनट तक भूनेंगे आप। हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। देखिए हमने अपनी गोभी को भी अच्छे से वॉश कर लिया था। इसमें हमने हल्दी और नमक लगा के इसको साफ कर दिया था। कभी आपके पास गोभी कुछ दिन की पुरानी रखी हुई हो तो आप उसको क्लीन करने के लिए सबसे पहले हल्दी, थोड़ा गुनगुना पानी करें, थोड़ा नमक और हल्दी के पानी में डाल दें। देखिए कितनी क्लीन हो गई है। हमारे 2 से 3 दिन पुरानी थी, फ्रिज में रखी हुई थी, लेकिन हमने इसको बिल्कुल क्लीन कर दिया है और देखिए कितनी साफ सुथरी एकदम से गोभी हो गई है। नमक और हल्दी के पानी से हमने इसको वॉश किया है, आधा घंटे के लिए डाल दिया था हमने इसमें, तो बिल्कुल क्लीन हो गई है, कितनी वाइट हो गई है देखिए। अब इसमें हम अपनी सारी गोभी डाले दे रहे हैं और इसमें मटर भी डाले दे रहे हैं। और इसमें आलू डाल देते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिलाते हैं जिससे कि सारे मसाला सब्जियों में आ जाए अच्छे से। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा देख सकती हैं, नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा देख सकती हैं। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल भी। हमें इसको थोड़ी सिम गैस पे 15 से 20 मिनट लगेंगे, लेकिन हमें इसको सिम गैस पे बनाना है, तो ऐसे ही स्टीम में ही बन जाएगी। हम इसमें बिल्कुल बीच बीच में इसको चेक करते रहेंगे, लेकिन इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। गैस हमने सिम कर दी है और हम इसको ढक के 10 से 15 मिनट के लिए पहले रखते हैं, उसके बाद फिर बीच में खोलेंगे तो आपको दिखाएंगे। 10 मिनट से 15 मिनट हो चुके हैं, हमने देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था सब्जी में। और देखिए इसमें माशाल्लाह कितनी मसालेदार सब्जी बनी है। देखिए बिल्कुल भी इसमें अपने आप ही गीली हो गई है, तो हमने ढक के और इसे थोड़ी सिम गैस पर रखी थी, इसको चला रहे हैं। तो अभी इसमें आलू वगैरह भी कच्चे हैं थोड़े से, तो अभी इसमें 10 से 15 मिनट और लगेगी। इसको ढके दे रहे हैं फिर से और 10 से 15 मिनट बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए 10 मिनट हो गए हैं और अब हम ढक्कन उठाते हैं। देखिए कितनी जबरदस्त हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। इसमें हम 4 मिर्चें हैं, ये भी ऐसी साबुत डाले दे रहे हैं। थोड़ा धनिया है, ये भी डाले दे रहे हैं और इसको मिला दे रहे हैं। लीजिए हमारी आलू गोभी की सब्जी बनके तैयार हो गई है। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। आप इसी तरीके से बनाएं, हमारे तरीके से बनाएं, ज़रूर बनाएं, इस तरीके से बनाएं और घर वालों को खिलाएं और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपने आलू गोभी बनाई मेरे तरीके से तो वो आपकी कैसी बनी। आप पूरी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, कैसे भी खा सकते हैं आप। इतनी शानदार आलू गोभी बनी है। बस की गैस को बंद करते हैं और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। मेरी सब्जी बनके तैयार हो गई है। देखिए कितनी मज़ेदार सब्जी बनी है।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे सबसे पहले मेरी वीडियो आपको पहुँचेगी। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।